हेलो स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर, होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, जो कि लास्ट क्लास में ही हमने किया था, लेकिन अब इसका पार्ट टू है जिसके अंदर मजीद स्ट्रक्चरल फॉर्मेटिंग, डेकोरेटिव फॉर्मेटिंग पे हम काम करेंगे। आपको करना क्या है कि सबसे पहले हमारे पास इन टूल्स को हम देख लेते हैं कि जिनको हम आज की क्लास में देखेंगे। हमारे पास जो टूल्स हैं वो बॉर्डर्स हैं हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास लिस्टिंग्स और सॉर्टिंग्स की चीज़ें जो हमारे पास रिमेनिंग थी, जो लास्ट क्लास को फॉलो करें। अगर आपने नहीं पढ़ा तो क्लास नंबर 10 जो है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पार्ट वन, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बस पैराग्राफ्स के ऊपर कुछ हेडिंग्स बनाई हैं, इनको हम कुछ डेकोरेशन में लेकर आते हैं। तो डेकोरेशन को करने के लिए, इसको डेकोरेट करने के लिए, इसको फॉर्मेटिंग करने के लिए अच्छी, तो हम कुछ बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं। आपके पास पूरे पेज बॉर्डर्स का ऑप्शन आएगा, लेकिन फिलहाल जो अभी मैं जो बॉर्डर अप्लाई करना चाह रहा हूँ वो टेक्स्ट पे करना चाह रहा हूँ, हेडिंग्स के ऊपर। तो अगर आप यहाँ पे जाएँ तो यहाँ पे बनी बनाई आ रही, प्री सेट्स आ रहे हैं कि बॉटम पे डालना है, टॉप पे डालना है, ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, नीचे का हिस्सा लेफ्ट या राइट पे। तो आपको कहाँ पे बॉर्डर डालना है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लेफ्ट पे जाएँ तो ये लेफ्ट आ गया, अगर आप राइट पे जाएँ तो ये राइट आ गया आपके पास। आपने यहाँ से उसको सेंटर कर लिया, आपने यहाँ से कलर चेंज कर लिया, ठीक है। आपने कहा कि भाई ये मेरे पास स्टाइल है, आपने क्लिक करा, शेडिंग अप्लाई कर लिया दिस वन, और आपने फॉर्मेट प्रिंट लिया, क्लिक कर लिया। तो अगर आपके पास हेडिंग्स हैं सारी, तो आपने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, डेलिकेट किस्म की डिज़ाइनिंग कर लिया आपने। ये वर्ड नहीं बोलेगा, आपको काम करना डिज़ाइनिंग में, जिसको भी पढ़ाता हूँ मैं समझता हूँ ये वर्ड नहीं, वर्ड आप, ये आपके ऊपर है, आप लेआउटर हैं, पेज लेआउटर। आपको टेक्निक निकालनी है कि मैं कैसी नई हेडिंग्स बनाऊँ जो सबसे अलग हो, ठीक है। तो मैंने आपको कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को मिला के ये डिज़ाइन बनाया। मैं डू कहता हूँ, क्लियर फॉर्मेटिंग करता हूँ, हम क्लियर फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे भी मैं आता हूँ, क्लियर फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। सेकंड टाइप मैं ये भी कर सकता हूँ उसके साथ कॉम्बिनेशन के अंदर, कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार बॉटम बॉर्डर कर देता हूँ, और मैं जो हूँ उसके अलावा उसके ऊपर टॉप बॉर्डर कर देता हूँ। सीधा मैंने उसको सेंटर कर लिया, ये सारी चीज़ें बन गई। अब मुझे मज़ीद काम करना है इसके ऊपर, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, क्लिक करता हूँ। इसमें जाने के बाद मैं बॉर्डर शेडिंग्स पर जाता हूँ। बॉर्डर शेडिंग्स को अप्लाई करना है आपके पास, तो आप यहाँ पे चले गए कस्टम के अंदर। आपने कहा कि मुझे स्टाइल चाहिए ये वाला, कलर मुझे अपनी मर्ज़ी का चाहिए, आपने यहाँ से कलर ले लिया, ठीक है। आपने कहा कि मुझे ये चाहिए कलर, और आपने विड्थ ले ली। अब ये अप्लाई का करना है आपको, ये बताना है। इसने अप्लाई टू पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर आपने क्लिक किया, होल डॉक्यूमेंट भी आ रहा, टेक्स्ट भी आएगा। जिस तरह आप पेज पे काम करेंगे, तो हम अलग से पेज लोडिंग पे जब आएंगे तो आपको पेज बॉर्डर पे बताएंगे। फिलहाल हमारा टारगेट टेक्स्ट पे डालने का, हेडिंग्स के ऊपर। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिएगा टॉप की नहीं, ये बॉटम की नहीं, स्टाइल बन गया। मैं इसको ओके करता हूँ, दिस वन। तो अब ये मेरे पास, इसमें फ़र्क ये कि जाहिर सी बात है कि इसके अंदर जो बॉर्डर स्टाइलिंग की बॉर्डर्स हैं, इसका स्टाइल चेंज है, इसका कलर चेंज है, और विथ स्टाइल, विथ और कलर को मिला के आपने ये बॉर्डर बनाया, और फिर आपने कस्टमाइज़ करा है कि आपको टॉप एंड बॉटम पे चाहिए। मज़ीद इसमें क्या काम कर सकते हैं, आप इसमें जाइए, और जाने के बाद बॉर्डर एंड शेडिंग्स में जाइए, और यहाँ पे जाने के बाद आप क्लिक कीजिए शेडिंग्स के ऊपर। शेडिंग्स में आप फिल पे चलाइए, फिल्स आ रही हैं, ठीक है। आप फिल्स ले लीजिए, जो आप बाहर से भी डाल लेते हैं। इसमें पैटर्न आ रहा है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पैटर्न। अगर आप यहाँ पर देखिए तो ये पैटर्न आ रहा है, पैटर्न का स्टाइल, ये क्लिक किया आपने, ओके करा। तो अगर आप इसको मैं जूम करता हूँ तो ये देखिएगा, ये पैटर्न डिज़ाइनिंग हो गई आपके पास। आप इसमें काम कीजिए, दोबारा से जाइए, फिर बॉर्डर्स पे जाइए, बॉर्डर शेडिंग्स पे जाइए, आप शेडिंग्स में जाइए, और यहाँ पे आप इसको फ़िलहाल अभी सिंपली रख दीजिए ग्रे। और यहाँ से आपने ये पैटर्न ले लिया, ये फिल था, अगर आपको फिल चाहिए, ये फिल हो गया, ये पैटर्न हो गया, और ये पैटर्न का कलर, ठीक है। तो ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स आ रहे हैं, इनको आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ये कर लिया इसमें दबा, ठीक है, मैं इसको ओके कर लेता हूँ। अब ये चेंज हो गया, अब ये हैवी इसलिए हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने स्केलिंग करके डाला इसको। मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ, सॉरी, बॉर्डर शेडिंग्स में, और मैं शेडिंग्स में जाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई स्टाइल जो है ना वो थोड़ा सा लाइट लें आप, ठीक है। ये ज़्यादा पैटर्न, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ डिज़ाइन इज कॉल्ड पैटर्न, एक डिज़ाइन को रिपीट करते हैं तो पैटर्न कहलाता है। क्लोथिंग में आप बहुत ज़्यादा देखते हैं, फैब्रिक्स में देखते होते हैं। तो ये स्टाइल आपके पास बन गया। ये हो सकता है स्क्रीन पे आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा हो, और स्क्रीन पे अच्छा लगता है वैसे अगर आप थोड़ी स्केलिंग कर लें और थोड़ा सा बड़ा डाल लें, लेकिन प्रिंट आउट में तो आप बिल्कुल करीब करके देख रहे होते हैं, तो आपको और भी अच्छा लगता है।
और अगर आपके पास ये स्टाइलिंग कंप्लीट है, फॉर्मेट पिन कर लीजिए, डबल क्लिक करके यहाँ से स्पिन कर लीजिए जहाँ जहाँ पे भी आपको डालना है, ठीक है। तो ये आपके पास बॉर्डर्स का कमाल है कि आप बॉर्डर्स पे काम करना चाहें तो बॉर्डर्स की मदद से आपने देखा कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की स्टाइलिंग कर सकते हैं, टू साइडेड, टॉप बॉटम, फिर उसके अलावा लाइनिंग, कलरिंग के साथ, टेक्सचरिंग के साथ, पैटर्न के साथ, आप जो मिला के कलर शेडिंग के साथ मिला के आप बहुत सारी किस्म की फॉर्मेटिंग जो है ना वो आप बना सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद हम नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं आपके पास सेकंड, कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपको प्रोवाइड कराया गया आपके फोल्डर के अंदर, लर्निंग जर्नल के अंदर, सैम्पल प्रोजेक्ट फाइल के अंदर। आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट है म्यूज़िक फेस्टिवल पैकेजिंग लिस्ट, इसके अंदर ये एक लिस्ट हमारे पास बनी है फेस्टिवल की जो आइटम्स होते हैं। तो अब ये इस पर मैं चलाता हूँ, सबसे पहले मैं सॉर्टिंग करता हूँ, ठीक है। सॉर्टिंग करने की नहीं है, क्या है सॉर्टिंग, क्या होता है तरतीब में करना। सॉर्टिंग तीन किस्म की होती हैं, टेक्स्ट, नंबर और डेट। ज़्यादातर हम टेबल में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हम ज़रा सा पैराग्राफ में इस्तेमाल करते हैं कि हमें पैराग्राफ के अंदर इसको सॉर्ट करना है। हमें सॉर्ट जो करना है वो पैराग्राफ में सॉर्ट हो रहा है, सॉर्ट बाय पैराग्राफ, इस पैराग्राफ के अंदर सॉर्ट करो, किस तरह करो, टाइप कौन सी होनी चाहिए, टेक्स्ट, क्योंकि इसके ना नंबर नहीं है ना डेट्स हैं। आप यहाँ पर टेक्स्ट पे चलेगी, असेंडिंग करने या डिसेंडिंग, असेंडिंग ए टू जी या डिसेंडिंग जेड टू ए, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे असेंडिंग करना है ए टू जी, तो मैं ओके करता हूँ दिस वन। तो देखिए कि बी के बाद जो अल्फाबेटिकल चलेंगे वो सारे यहाँ पे, इसी तो हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, डब्ल्यू लास्ट में आना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम जाते हैं सॉर्ट के ऊपर, क्लिक करते हैं, टेक्स्ट हो असेंडिंग करते हैं, ओके। तो ये चीज़ है, इसी तरह मैं यहाँ पे आता हूँ, क्लिक करके हम इसको असेंडिंग, ठीक है। ऑब्वियसली हम लिस्ट के मुताबिक ये सॉर्ट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जब अपना प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाया तो आप सॉर्टिंग करें, ऑप्शन मैंने बताया, क्योंकि आप फेस्टिवल में एसेंशियल लिख रहे हो तो मेरी नहीं, सबसे पहले मनी है भाई, पैसे होने चाहिए, फिर फ़ोन हो, सारी चीज़ें, मनी मैं बाद में कर दूँ, अब सारी चीज़ें पहले आ जाएँ तो ये अजीब सा लगेगा। तो नेसेसरी लिस्टिंग हम पहले बना रहे होते हैं, लेकिन सॉर्टिंग मुझे एक ऑप्शन कराना था, तो मैं इसलिए, इस वजह से मैंने आपके पास ये ऑप्शन खोला कि आप ये लिस्ट बना के काम करें। डॉक्यूमेंट टेम्पलेट टाइप का आप उठा के काम करेंगे तो आपको काम करने में मज़ा आएगा, ऐसी नहीं कि आप रफली बना लीजिए, ठीक है। सॉर्टिंग के बाद आप आगे मूव करें, हमारे पास लिस्टिंग आ रही है। अच्छा, यहाँ पे लिस्टिंग पे आप आ जाएं, जो बुलेट और नंबरिंग लिस्टिंग, लिस्टिंग इसको बकायदा है मॉस के एग्जाम के अंदर टॉपिक होते हैं, लिस्टिंग पे काम करने का सवाल आते हैं। अब आप यहाँ पे लिस्टिंग बनाते हैं, तो लिस्टिंग के टाइप्स हैं, आपने यहाँ पे कहा कि मुझे ये बुलेट डाल दिया आपने ये वाली स्टाइल की, आपको और चाहिए तो और, यहाँ पर चलाइए, यहाँ पर आ रहा है डिफाइन न्यू बुलेट, क्या आ रहा है डिफाइन न्यू बुलेट। सबसे पहले हम बुलेट्स पे काम करें कि बुलेट्स की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। मैंने कहा कि मुझे बुलेट्स के ऊपर चीज़ें मुख्तलिफ़ किस्म की करनी है, बुलेट का स्टाइल चेंज करना है। तो अगर मैं चलाऊँ तो इस सिंबल, आप यहाँ से सिंबल्स से भी जा सकते हैं, ये सिंबल्स आ रहे हैं बहुत सारे, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप और भी चूज़ कर सकते हैं, आप विंडिंग्स फॉन्ट में जाएँ, विंडिंग्स, विंडिंग्स टू थ्री, इसके अंदर भी आपको सिंबल्स मिल जाएंगे। आप यहाँ से सिंबल ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये क्लिक किया दिस वन, ओके। ओके के बाद अब ये मुझसे बोल रहा है कि भाई, क्योंकि ये जितनी भी वेंडिंग हैं ये फॉन्ट है, लेकिन ये फॉन्ट जो सिंबल बनाता है, क्या बनाता है सिंबल बनाता है, आप कुछ भी लिखेंगे तो ये सिंबल बनाएगा। तो अब ये क्योंकि फॉन्ट है सिंबल, वेंडिंग जो है सिंबल में मैंने वेंडिंग लिया है, डू रिमेंबर ये फॉन्ट है जो यहाँ से भी एक्सेस आप कर सकते हैं, कुछ भी लिखेंगे वेंडिंग को सिलेक्ट करके तो करेक्टर्स बन के आएंगे। तो मैंने यहाँ पे ओके करा हुआ, अब क्योंकि फॉन्ट है तो उसका कलर चेंज कर सकते हैं। आपने कहा कि एक काम करो कि इसका कलर चेंज कर लो, आपने कहा कि इसको हम ये रखते हैं, ठीक है, फॉन्ट कलर हमने ये कर लिया। आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, अंडरलाइन करना चाहें तो, मैंने कहा नहीं अंडरलाइन नहीं करना मुझे, मुझे इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है, और साइज़ बड़ा करना चाहें तो आप साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, तो मैं साइज़ नहीं बड़ा करना चाहता, लेकिन ये ऑप्शन आप कर सकते हैं, आप इसको ओके कीजिए। इन शॉर्ट के आपने यहाँ से सिंबल बनाया, सिंबल के ऊपर आपने फॉन्ट्स अप्लाई कर लिए, तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बन गया। आपने इसको ओके किया, ओके करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये बुलेट्स जो हैं वो टेक्स्ट से किस तरफ हैं, इनके अलाइनमेंट लेफ्ट, सेंटर या राइट। तो अब ये देखिएगा, अगर बुलेट आपने डाली और बुलेट का सिंबल
कोई ताश का पत्थर टाइप का है, कोई गाड़ी है, तो वो बहुत करीब आ रही है, तो वो आप इसकी अलाइनमेंट के ज़रिए इसको सेट कर सकते हैं कि वो बुलेट इस टेक्स से कितना दूर हो। इन दिस केस आई गो विथ लेफ्ट साइड और उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ ओके। सो दिस इज़ ग्रेट। इसी तरह आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, दोबारा से आता हूँ और फिर मैं डिफाइन यू बुलेट पे जाता हूँ और इस मरतबा मैं पिक्चर लेता हूँ। ठीक है, पिक्चर मैं नेट से भी ले सकता हूँ, वर्क ऑफलाइन करता हूँ और फ्रॉम अ फाइल ये तो हम इसको यहाँ से ले लेते हैं। ये पिक्चर हम पिक्चर तो नहीं लगा रहे थे, ज़्यादा सिंबल्स लगा रहे होते हैं, झंडे सिंबल्स हैं वो लगा रहे होते हैं, कोई आइकन्स ले लिया आपने, तो आप कोई भी पिक्चर लगा रहे हैं ओके। इन शॉर्ट क्या पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे आपने कहा कि ये जो है वो क्लाउड की चीज़ है, तो क्लाउड का सिंबल आइकन ले लिया, नेट से डाउनलोड कर लिया, क्लाउड की पिक्चर PNG है, JPEG, और वो आपने सब जगहों पर क्लाउड बादल लगा दिए, बादल बादल बादल। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इंटरेस्टिंग किस्म की जो है ना वो बना सकते हैं। यहाँ से हम ये बने बनाए बुलेट्स थे, ठीक है, और बुलेट्स के बाद इनके जो है ना हमने अपनी मर्ज़ी से सिंबल्स की मदद से बुलेट्स बना लिए, फिर फॉन्ट अप्लाई करके इनको हमने एनहांस कर लिया, इनकी कलरिंग को, इनके साइजिंग को, उसके अलावा हमने पिक्चर्स को अप्लाई कर लिया। तो इस तरह से हमने अपना बुलेट स्टाइल बना लिया। अब हम मुख्तलिफ चीज़ों पर और आ जाते हैं। अब आप यहाँ पे आए तो मैंने कोई सी भी लिस्ट डाली, फॉर एग्जाम्पल ये लिस्ट डाली नॉर्मल, मैंने लिस्टिंग के लेवल्स होते हैं, ठीक है, चेंज लिस्ट लेवल 9 लेवल होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लेवल हैं और 9 लेवल पे मुख्तलिफ पोजिशन और आइकन आ रहे हैं। लेवल का मतलब ये होता है, अगर आप किताबों का इंडेक्स देखें, जब आप देखते हैं टेबल ऑफ कॉन्टेंट देखते हैं किताब को पढ़ने से पहले, तो उसके अंदर लेवल्स बने हुए होते हैं कि भाई ये वर्ड है, वर्ड के अंदर आप फॉन्ट पढ़ लें, फॉन्ट के अंदर आप बोल्ड इटैलिक पढ़ लें, तो उसने यूँ ब्रांचेस बनाई हुई, लिस्टिंग बनाई हुई, लेवल्स बनाए हुए। तो अब ये लेवल्स हैं, आप लेवल को चेंज करना चाहते हैं, आपने कहा कि एक काम करता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं कहता हूँ टेंट और मैं इसके बाद एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद कंटिन्यू रहता है, मैंने कहा ब्लू रेड। अभी जो ब्लू और रेड है ये टेंट की टाइप है, कलर टेंट कौन से होने चाहिए, रेड और ब्लू। अब ये लेवल है, यहाँ पे लग रहा है कि अलग अलग से है टेंट ब्लू, आप समझें कि एक जैसा है लेवल है, नहीं ये इसकी किस्म है, टेंट के अंदर ब्लू टेंट है, रेड टेंट। तो लेवल चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे जाएं और यहाँ से जाने के बाद आप चेंज लिस्ट लेवल पे जाएं और यहाँ पे क्लिक कर लें। ठीक है, पहला तरीका ये आ गया। आइकन को ऐसे भी चेंज करना चाहें आप चेंज कर लीजिए आइकन्स वगैरह। ठीक है, लेवल्स को आप यहाँ से भी आगे कर सकते हैं। ठीक है, लेवल को यहाँ से भी इंक्रीज आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ से चाहें तो शिफ्ट टैब की मदद से, किसी शिफ्ट टैब की मदद से आप इसको डिक्रीज कर सकते हैं। लिस्ट लेवल को डिक्रीज करना चाहें तो आप किससे कर सकते हैं, शिफ्ट टैब से। अगर आपने सेलेक्ट कर लिया, मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ, अगर आप शिफ्ट टैब दबाएंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा, लेवल कम हो जाएगा। और यहाँ पे दिखाता भी हूँ मैं आपको कि शिफ्ट प्लस टैब ये डिक्रीज हो रहा है, और अगर टैब दबाऊंगा तो ये लेवल आगे जाएगा, क्या जाएगा, टैब से लेवल आगे जाएगा, शिफ्ट टैब से पीछे। तो ये चीज़ें कॉमन है जो आपको पता होनी चाहिए, ये काम करने बहुत फ़ायदे होती हैं। इसके अलावा डिग्रीज लेवल इससे भी कर सकते हैं जो अभी बताया था मैंने आपको, आपके पास ये ऑप्शन लेआउट में भी आ रहा है कि अगर आप यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपके पास, तो लेवलिंग्स है, स्पेसिंग्स है, जो भी आप पढ़ाना चाहें आप पढ़ा सकते हैं। तो होम पे मैं दोबारा से आता हूँ। अच्छा, लेवलिंग के मुख्तलिफ तरीके आपके पास आ रहे हैं, आप यहाँ से बेसिकली इसको इंडेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये इंडेंट का ऑप्शन लेआउट से भी मिलेंगे जो इन्होंने बताया, आपके पास यहाँ से भी आ रहे हैं और आप खुद से भी लेवल चेंज कर सकते हैं। आप ये बेसिकली इंडेंट पैराग्राफ को आगे लेके जाते हैं। अब ये पैराग्राफ ही समझें इसको, क्योंकि बुलेट्स हैं तो ये चीज़ें कॉमन, इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको टिप एक और देता हूँ कि जब आप लेवल्स लिस्टिंग पे काम कर रहे होते हैं बुलेट्स के ऊपर, तो आप खुद से भी बना सकते हैं। आपने क्लिक किया, एंटर दबाया, एंटर दबाने के बाद फ़ौरन टैब दबा देंगे तो ये आ जाएगा यूँ, जैसे मैंने कहा कि वर्ड
ठीक है। अब वर्ड के अंदर आपने एंटर दबाया, ये मैंने क्या दबाया, एंटर। ये देखिएगा, अगर मैं सिर्फ एंटर दबाऊं और एंटर के बाद टैप दबा दूं तो ये लेवल में आगे चला जाएगा। क्या मतलब, मैंने कहा कि मुझे काम करते वक्त लेवल में एक लेवल आगे जाना, एक लेवल पीछे आना है, ये काम करते वक्त मुझे करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा कि वर्ड में काम कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यूँ बताता हूँ कि मैंने कहा मैं MS वर्ड पर गया और मैंने यहाँ पर बुलेट अप्लाई कर लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर जाके एक बुलेट अप्लाई कर ली। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि MS वर्ड के अंदर जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो हमने कहा कि MS वर्ड के अंदर जो है ना, हम कर रहे हैं करेक्टर फॉर्मेटिंग कर रहे हैं हम। अब करेक्टर फॉर्मेटिंग के अंदर मैं लिस्ट कर रहा हूँ, तो मैंने एंटर दबाया फिर टैप दबा दिया, एंटर दबाने के बाद टैप दबा दिया। अब मैंने कहा कि आपने इसके अंदर जो कर रहे हैं वो बोल्ड इटैलिक। अब आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पाने हैं तो आप डबल एंटर मार दें। क्या हमारा डबल एंटर मार के आप लेवल से बाहर आ गए। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं, आप इससे भी कर रहे थे, आप इससे भी कर रहे हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे पैराग्राफ आपके पास फॉर्मेटिंग, और मैंने फिर एंटर मारा, फिर टैप दबा दिया। तो फिर मैंने कहा कि यहाँ पे लाइन स्पेसिंग सॉर्टिंग, और अगर इसके अंदर भी कोई चीज़ हमारे पास सॉर्टिंग, मैंने कह दिया कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल का डेट, ठीक है। तो इस तरह डबल एंटर करके मैं लेवल से बाहर आ रहा हूँ, और अगर मैं यहाँ पे टैप दबा रहा हूँ तो लेवल्स आगे जा रहा हूँ। तो ये शिफ्ट टैप से एक लेवल पीछे आना, टैप से आगे आ जाना, और शिफ्ट टैप से पीछे एक लेवल चले आना। तो ये आपके पास आनी चाहिए, टैप की मदद से एक लेवल आगे आना, शिफ्ट टैप से पीछे आना, डबल एंटर से बाहर निकल जाना लेवल से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये काम आप जो शॉर्टकट से कर रहे हैं वो सारा काम आप यहाँ से कर रहे होते हैं, क्लियर है। मूविंग फॉरवर्ड आपके पास, दोबारा यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे दोबारा जाते हैं। अब हमारे पास जो चीज़ है इसके अंदर वो आ रही है कि आपके पास नंबरिंग, नंबरिंग 1 2 3 भी है, ABC भी है हमारे पास, रोमन भी है 1 2 3। तो अब मैंने कहा कि ये 1 2 3 मुझे चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ, ये नंबरिंग आ गई हमारे पास। नंबरिंग के अंदर भी वही चीज़ है कि आपने नंबरिंग यहाँ पे डाली 1 2 3, ये नंबरिंग आ गई यहाँ पे। अब आपके पास ये नंबरिंग आ गई है, वैसे तो इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये मनी की बात कर रहे हैं, तो ये मनी नहीं आया हमारे पास, क्लिक किया मैंने दोबारा से तो ये 1 2 3 आ गया। ये फेस्टिवल के हिसाब से सही लिस्टिंग है, ये फेस्टिवल वेयर के हिसाब से 1 2 3 है। लेकिन अगर आप सपोज़ करें कंटिन्यू करना चाह रहे हैं इसको, तो आप अगर यहाँ पे देखें तो इस लिस्ट के साथ जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इसमें ऑप्शन आ जाते हैं कंटिन्यू नंबरिंग। क्या आ रहा है, कंटिन्यू नंबरिंग। कंटिन्यू नंबरिंग का मतलब ये कि जो ये 6 के बाद जो है वो सीरीज शुरू हो। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू नंबरिंग कर लेता हूँ, तो ये 7 8 9 10 से स्टार्ट हुआ। ये सारे ऑप्शन आप एसेस कहाँ से करेंगे, ये तो ऑप्शन अगर आप यहाँ पे जाएं तो यहाँ से सेट नंबरिंग वैल्यू पे अगर आप जाएं तो ये कंटिन्यूस फ्रॉम प्रीवियस लिस्ट का ऑप्शन जो मैंने वहाँ से करा था यहाँ से आ रहा है, ठीक है। स्टार्ट न्यू लिस्ट करनी है तो न्यू लिस्ट कर लें, और स्टार्ट न्यू लिस्ट का मतलब कि 1 से स्टार्ट हो जाए हमारे पास। अगर यहाँ पर एक सबसे अच्छा ऑप्शन सेट वैल्यू, सेट वैल्यू का ऑप्शन बहुत अच्छा है। मैंने कहा कि मैं यहाँ पर आता हूँ, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम दोबारा यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से कोई भी हम दोबारा से नंबरिंग डाल लेते हैं। अच्छा, अब ये देखिएगा, यह मैंने कोई भी नंबरिंग यहाँ पे डाली, तो अब मैं ये चाह रहा था इसके अंदर के अपना नंबर फॉर्मेट डिफाइन करूँ, अपनी नंबरिंग वैल्यू डिफाइन करूँ। तो मैंने यहाँ पे पहले आता हूँ सेट नंबरिंग वैल्यू के ऊपर। तो हमारा टारगेट ये था कि अब हमें अपनी वैल्यू देनी है, तो मैं कोई सी वैल्यू देना चाहता हूँ। मैंने कहा कि नहीं, अब तुम जो है ना 15 से स्टार्ट हो, तो मैं यहाँ पे 15 लिखता हूँ और ओके कर देता हूँ। तब हुआ क्या कि ये आपके पास पॉसिबल भी हो सकता है कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपने 6 पॉइंट्स की ब्रीफिंग दी, और किसी और डॉक्यूमेंट के अंदर आपने 7 8 की दी, और अगर किसी और डॉक्यूमेंट के अंदर आपने 15 करना है, एक डॉक्यूमेंट के अंदर आपने इस वाले डॉक्यूमेंट के अंदर आपने 10 11 पॉइंट तक की ब्रीफिंग दे दी है, और अगर आपने एक और डॉक्यूमेंट बनाया उसके अंदर 15 से स्टार्ट करके आपको बताना है, आपको 1 से स्टार्ट नहीं करना, तो आप वो ये कर सकते हैं सेट नंबरिंग वैल्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे काम कर सकते हैं। इसमें वही चीज़ आ जाती है जो आपके पास
बुलेट और नंबरिंग में आई, बुलेट्स में आई थी वो यही कि आपके पास इसका लेवल भी चेंज कर लेना, सेम नंबरिंग की था लिस्ट का लेवल जिस तरह बुलेट्स का लेवल रहता था उस तरह उसका लेवल, रोमन में करना है, स्लीपिंग बैग्स वन पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री करना है, तो ये सारी चीज़ें आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप नंबरिंग फॉर्मेट भी दे सकते हैं, कोई भी स्टाइल चेंज करना चाहें वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, क्लियर है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप करना चाहें बड़े आसानी से जो है ना वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, और मैं आपको इसमें भी अलाइनमेंट आ रही है, सेम वही बुलेट वाली चीज़ है, बस स्टाइल्स आ रहे हैं यहाँ पे, फॉन्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप खुद भी बना सकते हैं, इसको बोल्ड करना है, बड़ा करना है, कलर चेंज करना है, जो भी आप करना चाहें वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास बड़ा अच्छा ऑप्शन है। जो लोग मॉस एक्सपर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लिस्टिंग लेवल का काम भी करना सिखाएंगे आपको एक्सपर्ट के अंदर, कि जिसके अंदर हम ये लेवल्स बनाना सिखाएंगे आपको कि लेवल्स क्या होते हैं, डिफाइन मल्टी लेवल्स क्या होता है, ठीक है, 1 2 3। इसके लिए आपके पास स्टाइल्स पे काम करना होता तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक डोमेन जो है बेसिक से इंटरमीडिएट का था, तो हमने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर करवा दी हैं। ये पोर्शन जो वो एक्सपर्ट के लिए, क्योंकि इसके लिए आपको स्टाइल्स पे काम करना चाहना आना चाहिए, टीओसी पे काम करना आना चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह आप अप्लाई करें। लेकिन आप याद रखिएगा मैं आपको क्लू देते रहता हूँ, आप क्लिक करके खुद से भी कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। थैंक यू।